रियाटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बारे में। चलिए बात मत करिए। अब पहले तो मैं ये टॉपिक पढ़ाने से पहले बैलेंस शीट को एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। और आप एक देख लीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक के सामने बैलेंस दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है। हाँ, अंतर कितने का आ रहा है? 3,20,000 का। तो सारी कहानी इसी 3,20,000 से है आज की। तो आज हमको पढ़ना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में? इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। कह रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर है। और ये किससे रिलेटेड होता है? गुड्स से रिलेटेड होता है, यानी वस्तु से रिलेटेड होता है और उससे रिलेटेड एंट्री से, मतलब कि कोई गुड्स कितनी मात्रा में आया, कितनी मात्रा में है, उसको किस में मेजर करेंगे, उसका स्टॉक ग्रुप क्या हुआ। जैसे समझिएगा मेरी बात, यहाँ पे एक आइटम का मैंने एक नाम लिखा, डेल वायरलेस कम्बो कीबोर्ड। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। देखिए इतना बड़ा नाम है, लेकिन समझ में क्या आ रहा है? है क्या कीबोर्ड है ना? तो इतना बड़ा नाम किसका है? आइटम का है। किसका नाम है? ये आइटम का ही नाम है। तो डेल वायरलेस कम्बो कीबोर्ड ये क्या है? आइटम का नाम है। और ये आइटम है क्या? पढ़ने के बाद क्या लग रहा है? कीबोर्ड है। वही इसका क्या कहलाएगा? स्टॉक ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टॉक ग्रुप कहलाएगा। और कीबोर्ड किसमें लेंगे? लीटर में? हाँ, पीसेस में। किसमें? पीसेस में। तो वही क्या कहलाएगा? यूनिट ऑफ मेजर कहलाएगा। किसमें उसको मेजर करेंगे? और इसको कहाँ रखेंगे? उस जगह को क्या कहेंगे? गोडाउन कहेंगे। और क्या है ये? कीबोर्ड। वही इसकी कैटेगरी है। सॉरी, किस कंपनी का है ये? डेल का। वही इसकी कैटेगरी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया, सेम आइटम लिख दिया, बस यहाँ लेनोवो लगा दिया। लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड। बताइए इतना बड़ा नाम है, ये किसका नाम है? आइटम का। किसका नाम है? आइटम का। तो ये क्या हो गया? स्टॉक आइटम हो गया। अच्छा, ये कौन सा आइटम है? क्या है? कीबोर्ड है। वो उसका क्या कहलाएगा? स्टॉक ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किस कंपनी का है वो? क्या कहलाएगी? कैटेगरी कहलाएगी। कहाँ रखा जाएगा? उसे क्या बोलेंगे? गोडाउन। और इस लेनोवो 100 वायरलेस कीबोर्ड को किस में लेंगे? लीटर में, केजी में, किसे में परचेज करेंगे? वो क्या कहलाएगा? यूनिट ऑफ मेजर कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बात बताओ, जैसे कि आप लोग उसमें पढ़े थे अकाउंटिंग मास्टर के भीतर, अकाउंटिंग मास्टर के भीतर पढ़े थे ना, लेजर ग्रुप पढ़े थे ना, ग्रुप तो नहीं होता था, एक भी ग्रुप बन जाता था, कई बार उसका यूज करते थे। जैसे संडे डेप्टर है तो कई पार्टी का नाम सब डेप्टर 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 होता था ना, वैसे यहाँ पे भी है। एक बार ग्रुप बन जाएगा कीबोर्ड का, चाहे डेल का कीबोर्ड आए, चाहे लेनोवो का कीबोर्ड आए, चाहे एचपी का कीबोर्ड आए, सब कीबोर्ड के अंतर्गत ही रहेंगे। यानी एक बार स्टॉक ग्रुप बना लें तो उसका इस्तेमाल बार बार करेंगे। समझा की बात ना? ठीक है, तो अब एक एक करके वही पढ़ लीजिए, मैंने तो पढ़ा बता दिया। अब आप ही बताइए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल 1220 DLP प्रोजेक्टर। बताइए किसका नाम है? आइटम का। किसका नाम है? यानी इसको क्या बोलेंगे? स्टॉक आइटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? चाहिए, कौन सा आइटम है? हाँ, कौन सा आइटम है? तो ये क्या कहलाएगा? स्टॉक ग्रुप कहलाएगा। प्रोजेक्टर क्या कहलाएगा? स्टॉक ग्रुप कहलाएगा। किस कंपनी का है तो क्या कहलाएगा? स्टॉक कैटेगरी कहलाएगा। अच्छा, प्रोजेक्टर को किस में लेंगे? कोई यूनिट होगी ना, तो वो क्या कहलाएगी? यूनिट ऑफ मेजर कहलाएगी, यानी यूनिट ऑफ मेजर। और इसको जहां रखेंगे उसे क्या बोलेंगे? देखो पांचों चीज कवर हो गया कि नहीं हो गया? आसान है, यानी कि आप खुद आइटम देख के जस्टिफाई कर सकते हैं। अब दिया हुआ है स्टॉक आइटम कहाँ है? गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है, स्टॉक आइटम कहलाता है। जिस चीज का बिजनेस करते हैं आप, वही आप क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। जैसे मान लो गायत्री ट्रेडर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को सप्लाई करती है या फिर जो भी करती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज क्या कहलाएगा? उसके लिए आइटम कहलाएगा, स्टॉक, सॉरी स्टॉक आइटम कहलाएगा। कोई दिक्कत? और उसको किसमें परचेज करेंगे, किसमें उसको मेजर करेंगे, किसमें नापेंगे, वही क्या कहलाएगा? यूनिट ऑफ मेजर का क्या है? स्टॉक आइटम का जिस यूनिट पे परचेज या सेल्स किया जाता है, वही यूनिट क्या कहलाता है? यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। अगर जैसे टेलीविजन को पीसेस में खरीद रहे हैं, तो पीसेस क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा। समझा की बात ना?
जैसे सिंपल यूनिट में दिया है, नॉस दिया है, पीसीएस है, मीटर है, केजी है, बहुत सारे। अल्टरनेट यूनिट में भी आएगा, जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं, आगे पड़ेगी। अगला है स्टॉक ग्रुप। क्या है स्टॉक ग्रुप? अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है। नहीं बोला हूँ संडी डेप्टर। संडी डेप्टर, संडी डेप्टर क्या है? ग्रुप है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? ग्रुप है। फिक्स एसेट्स क्या है? ग्रुप है। तो उसी जैसे स्टॉक ग्रुप भी होता है, जिसमें एक समान एक नेचर की चीजें एक साथ रखी जाती है। जैसे बताओ, डेल का भी कीबोर्ड था, कीबोर्ड के भीतर ही रखे, और एचपी का भी कीबोर्ड था, उसी के भीतर रखे, और लेनोवो का भी कीबोर्ड था, कीबोर्ड के भीतर ही रखे। यानी एक ही नेचर की तीन चीजें सारी उसी के भीतर रहे कि नहीं रहे, वही बात है स्टॉक ग्रुप कहलाएगा। गोडाउन क्या होता है? कि वह स्थान जहां हम पुनः बेचने का, सर हम गोडाउन है हमारा, हम बिजनेसमैन है, तो हम कोई चीजें किस लिए खरीदते हैं? बेचने के लिए। इसलिए बेचने का, अगर हम बिजनेसमैन है, हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो बेचने के लिए खरीद रहे हैं, और उसको जहां रखना है उस जगह को क्या कहेंगे? गोडाउन या लोकेशन कहेंगे। यानी कि बेचने से उद्देश्य से, या पुनः बिक्री कह सकते हैं, पुनः बेचने के उद्देश्य से अगर सामान आप रखे हैं जिस स्थान पे, उसे क्या बोलेंगे? गोडाउन या लोकेशन बोलेंगे। कोई दिक्कत? और किस कंपनी से बिलोंग करता है वही कहलाता है स्टॉक कैटेगरी। कोई दिक्कत है? चलिए, अब कहा है क्वेश्चन में कि गायत्री मोबाइल्स, गायत्री मोबाइल्स एक पार्टी का नाम है, जिस जो होलसेल और रिटेल का काम कर रही है। दे डील डिफरेंट मोबाइल ब्रांड, जो अलग अलग ब्रांड के मोबाइल में डील कर रही है, जैसे कि रियलमी, रेडमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया एक्सेट्रा। विद इन इस ब्रांड स्टॉक इंक्लूड मोबाइल फोन डिफरेंट फीचर, और इसमें सारे ही कंपनी के भीतर कोई अलग अलग फीचर की आपकी चीजें आपके पास प्रोवाइड है, रखी हुई है। उसका नाम सूर्या मोबाइल है। डेमो ऑटोमोबाइल्स प्रोमोटिंग सेल्स, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए प्रोमोट कर रहा है उसको। अब आपको इतने सारे काम करने हैं, क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। ए रहा लिस्ट आपके सामने, ए रहा लिस्ट, यही लिस्ट आज की क्लास में बनाएंगे। कितने का है ये? बस यही बन जाएगा, कहानी सब सेट हो जाएगी आज। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चूंकि आप लोग नए हैं, फ्रेशर हैं, इसलिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ, अदरवाइज नए रहते तो दूसरा तरीका बताता, लेकिन वो दूसरा तरीका बाद में बताऊंगा। याद रखिएगा, सबसे पहले आज हम बनाएंगे स्टॉक ग्रुप। नंबरिंग कर लीजिएगा, सबसे पहले क्या बनेगा नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे स्टॉक ग्रुप, एक लाइन लिख लीजिएगा, एक लाइन ये लिख लीजिएगा कि हम जीएसटी एचएसएन नंबर स्टॉक ग्रुप में ही मेंशन करते हैं। एक लाइन ये लिख लीजिएगा, हम जीएसटी एंड एचएसएन नंबर स्टॉक ग्रुप में ही मेंशन करते हैं, हेलो स्टॉक ग्रुप में ही मेंशन करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। हाँ, सबसे पहले क्या बनाएंगे? स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। एक लाइन ये लिख लीजिएगा कि हम जीएसटी, कोई पूछता है जीएसटी कहाँ लगाया जाता है, क्या बोलेंगे? स्टॉक ग्रुप पे। कोई पूछेगा आपसे जीएसटी कहाँ लगाया जाता है, क्या बोलेंगे आप? तो ही मैं बोला हूँ कि जीएसटी और एचएसएन नंबर कहाँ मेंशन करेंगे? स्टॉक ग्रुप में। जीएसटी और एचएसएन नंबर कहाँ मेंशन करेंगे? स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक ग्रुप जरूर लिखिएगा, स्टॉक ग्रुप। हम जीएसटी और एचएसएन नंबर कहाँ मेंशन करेंगे? स्टॉक ग्रुप के भीतर। यानी जीएसटी कहाँ लगता है? स्टॉक ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। अच्छा, स्टॉक ग्रुप में देखिए स्मार्टफोन है, आईफोन। अच्छा, स्मार्टफोन दो बार दिया है, तो दो बार बनाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। एक बार बन जाएगा ना, तो दोबारा नहीं बना पाएंगे। कहेगा दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कोई चीजें बनाएंगे एक बार और यूज करेंगे अगेन एंड अगेन, बार बार। ठीक है, तो चलिए कंपनी में आ जाते हैं अपने। यही कंपनी का आपका है, देख ही रहे हैं, मैं दिखा भी दिया हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक के सामने कोई बैलेंस दिखा रहा है क्या? नहीं। डिफरेंस बैलेंस कितने का आ रहा है? 320 का। चलिए, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। ठीक है, देख लिया जाएगा। चलिए, आपको आना है क्रिएट पे, और आज सारा काम करना है अकाउंटिंग मास्टर में। नहीं, किसमें क्या पढ़ रहा है? इन्वेंटरी मैनेजमेंट ना, इन्वेंटरी मास्टर में। सबसे पहले क्या बनाएंगे? लाइंस इधर बना लीजिए, स्टॉक ग्रुप। ग्रुप पहला ग्रुप क्या है? स्मार्टफोन। क्या लिखा हुआ है? स्मार्ट फोन। क्या हुआ? क्यों जी? सामने देखो, स्मार्टफोन। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पूछेगा एज पर कंपनी स्टॉक, तो यहाँ अगर सच में पढ़ेंगे आप ईमानदारी से, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एचएसएन। और यहाँ पढ़ेंगे
तो यहाँ एचएसएन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 85:17। तो हम एचएसएन डाल तब तो पाएंगे जब हम स्पेसिफाई करेंगे, क्या करेंगे, जब भी हमें अपने पास से कोई चीज डालनी होती है, रखनी होती है, लिखनी होती है, हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। क्या करते हैं, इसमें स्पेसिफाई करते हैं, ऑप्शन दिख रहा है, देखो सेकेंड ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाई डिटेल है, यानी हम यहाँ डिटेल डालना चाहते हैं, बस क्लिक करिए और लिख दीजिए 85:17, इंटर इंटर। इस पे कितना परसेंट जीएसटी लगा हुआ है, देखो कितना परसेंट जीएसटी लगा हुआ है, तो उस वो भी हमें डालना है ना, यानी उसको भी क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, क्या लेंगे, स्पेसिफाई डिटेल है, और क्या लेंगे यहाँ पे, टैक्सेबल रहेगा, टैक्स लगा तो टैक्सेबल है, कितना परसेंट, 18%, और इंटर करेंगे, स्मार्टफोन स्मार्टफोन एक गुड है। और देखो फिर से दिया हुआ है स्मार्टफोन ही, अगर आप बनाएंगे भी ना तो देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, देखिएगा स्मार्ट फोन, देखिएगा इंटर करेंगे तो लिखेगा दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटर डिफरेंट नेम, समझ रहे हैं, आप बना भी नहीं पाएंगे, नहीं तो आप लोग, फिर भी बता दे रहा हूँ कि एक बार में याद रखिएगा कि एक ही बार बनाएंगे, चार बार या चार बार नहीं बनाएंगे, बनेगा एक ही बार। चलिए स्मार्टफोन के बाद क्या दिया हुआ है, आईफोन, क्या दिया हुआ है, आईफोन, या क्या बनाएंगे, आईफोन, इस पे भी स्पेसिफाई करेंगे, एचएसएन नंबर क्या दिया हुआ है, 85:17 ही है, और स्पेसिफाई करेंगे कितना परसेंट, 18%, देख लीजिए सामने, सब लोग सामने देखते रहिएगा, 18% एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद यह है सॉफ्टवेयर, क्या दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बना लीजिएगा, इंटर कर लेंगे, स्पेसिफाई करेंगे 8523, स्पेसिफाई करेंगे कितना परसेंट, 18%। चलिए तो सॉफ्टवेयर भी हो गया, स्मार्टफोन तो बना ही लिए हैं, सॉफ्टवेयर बना ही लिए हैं, अब क्या बनाएंगे, ईयरफोन, स्पेसिफाई करेंगे 85:18, स्पेसिफाई करेंगे 18%, क्या हो गया, ईयरफोन हुआ ना, सॉफ्टवेयर हो ही गया, हेडफोन बनाएंगे, हेडफोन की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, HEAD होगा, स्पेसिफाई कर लेंगे, हाँ प्राइमरी ही रहेगा, इसको नहीं चेंज करना है, स्पेसिफाई डिटेल है, इसलिए कहा सब सामने देखिए ध्यान से, कुछ परिवर्तन ही नहीं करना है, कितना है, 85:18, उस पर कोई बदलाव नहीं करना है, स्पेसिफाई डिटेल है, 18%, कोई दिक्कत है, कहीं और परिवर्तन नहीं करना है, बस क्या डाले, जैसे एसएसएन नंबर है, जैसे ये तो बोला हूँ, मैं ही लिखवाया भी हूँ, हो गया, तो ग्रुप सारा हो गया ना, हाँ अब क्या बना लिया जाए, कैटेगरी बना लिया जाए, तो स्केप से बाहर आइएगा, बाहर आइएगा और किस पे आ जाइएगा, स्टाफ कैटेगरी बनाइएगा, पहला क्या दिया हुआ है, लेनोवो, तो यहाँ लिखिए लेनोवो, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया, या इंटर इंटर करके एक्सेप्ट करिए, या कंट्रोल ए दबा दीजिए, टाइम बचाइए। अगला क्या है, HUAWEI, एच ए है, HUAWEI सही है क्या, अरे छोड़ो यार, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करिए, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अगला देखिए एप्पल है, APPLE, उसके बाद क्या है, अकाउंटिंग, हर्षित तुम चंट हो गए हो, तुम्हें तुम बार बार पीछे क्यों देख रहे हो, चंट बनमास, बार बार पीछे देख रहे हो, हम कह रहे हैं अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, आगे आ जाइए आप, तो क्योंकि बार बार मान ली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ही लोगों का नुकसान होगा, मैं कितने आप ही लोगों का नुकसान होगा, मैं बार बार एक ही बात कितनी बार बोलूं, अकाउंटिंग हो गया। अगला है, बात मत करिए, सैमसंग है, क्या है, सैमसंग बताया ना जिस कंपनी का है, सैमसंग, उसके बाद क्या है, सैमसंग के बाद सोनी है, सोनी कर दिया, उसके बाद ऑफिस सॉफ्टवेयर है ना, ऑफिस सॉफ्टवेयर हो गया, उसके बाद क्या है, AMI है, ये भी हो गया, देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप अब लॉजिक लॉजिक लगाएं तो स्टॉक ग्रुप हो गया आपका, सेकेंड नंबर स्टॉक कैटेगरी हो गई, और स्टॉक ग्रुप में ही HSN और GST भी हो गया, अब क्या बचा है, गोडाउन, क्या बना लिया जाए, गोडाउन,
क्या करेंगे, स्केप से बाहर आएंगे, कहाँ आएंगे अब? गुड, किस लिए में गोडाउन लिखा होगा, किसी में लोकेशन लिखा होगा, गोडाउन पे आ जाइए और यहाँ क्रिएट करिएगा। गोडाउन क्या दिया हुआ है, शॉप, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक लिखा होगा वेयर हाउस, यही है ना। बस स्किप से बाहर आइए। अब तो बताइए क्या क्या बना लीजिए। स्टॉक रूम बन गया, कैटेगरी बन गई, गोडाउन, एक और छूटा हुआ है क्या, यूनिट, उसमें यूनिट नहीं दिया हुआ है, आपको पहचाना पड़ेगा। और वो तो आइटम उटम में पड़ेगा भाई, लास्ट में क्या बनाएंगे, आइटम बनाएंगे। आइटम जब बनाएंगे तब ना बताएंगे कितना पीस है कितना नहीं है। अब लास्ट में क्या बनाएंगे, आइटम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी क्या बचा हुआ है, अभी यूनिट, यूनिट पे आइए और यहाँ बनाइएगा PCS, PCS इंटर करिएगा और यहाँ मिला लीजिएगा PI, देखिए इससे मैच कर गया ना, PCS, PCS से इंटर करेंगे। पीस को क्या डेसिमल में भी लेते हैं, डेढ़ पीस कोई सामान खरीदते हैं, मोबाइल डेढ़ पीस दे दीजिए तो नहीं, डेसिमल प्लेस कुछ नहीं होगा, जीरो ही रहेगा, एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत, सब बन गया ना। अब लास्ट में क्या बनाएंगे, सामने देखिए लास्ट में क्या बनेगा, स्टॉक आइटम बनेगा, बस क्लिक कर दीजिए स्टॉक आइटम पे। अब आपको करना क्या है, आइटम का नाम पढ़ना है, उसी के हिसाब से सारा काम कर लेना है। दिया हुआ है लेनोवो K6 नोट, बस यहाँ लिख दिया लेनोवो K6 नोट, ठीक है। हेलो, तो बच्चों अगर पूरा नाम दिया होता है तो पता लेते, लेनोवो K6 फोन का नाम है, तो अब नीचे नहीं देखना है सबको, सब सामने देखिए, फोन का नाम है, जिसका स्टॉक ग्रुप क्या हो जाएगा, स्मार्टफोन क्या हो जाएगा, स्मार्टफोन हो जाएगा। किस कंपनी का लग रहा है वो, लेनोवो का, लेनोवो हो गया बस। अब किस में लेंगे इसको, पीसेस में, पीसेस में ले लिया, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, क्वांटिटी मांगेगा, क्वांटिटी देख लीजिए कितना पीस दिया हुआ है, 4 पीस 8,000 क्रेडिट है, देखिए सामने इंटर करेंगे जैसे चार, तो सबसे पहले गोडाउन मांगेगा, तो गोडाउन देखिए क्या लिया हुआ उसमें, शॉप, तो शॉप ले लिया, कितना 4 पीस, किस रेट से, 8,000 क्रेडिट, देखिए 32,000 हो गया, इंटर हो गया, एक आइटम बन गया। आसान है, आसान है, सब सामने देखिए, अब नीचे मत देखिएगा। आपको अगला आइटम का नाम है हुआई, स्पेलिंग यहाँ देखोगे कुछ अलग है यहाँ पे, ठीक है, P30 Pro, HUWEI, हुआई P30 Pro था, P30 Pro, इंटर करेंगे तो ये भी स्मार्टफोन ही है, किस कंपनी का है, हुआई का है, पीसेस में ही होगा, क्वांटिटी कितनी है, यहाँ देखिए क्वांटिटी 3 पीस है, कितनी है, शॉप में 3 पीस, तो इंटर करिए 3 पीस, इंटर करिए, यहाँ ले लीजिए शॉप, किस रेट से, तो 12,000 के रेट से, किस रेट से, 12,000, यानी 12 3 36, देखिए 36,000 आ गया, हो गया, दूसरा बन गया। तीसरा है iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, ठीक है, मैंने लिख दिया डायरेक्टली iPhone 11 Pro Max, बस इतना ही लिख दिया, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। और इसका क्या रहेगा, अभी किस कंपनी का है, आईफोन है, स्मार्टफोन नहीं है, क्या है, आईफोन, क्या लिख दिया, आईफोन ले लिया, किस कंपनी का, एप्पल का, एप्पल ले लिया, यहाँ के ले लिया, पीसेस ले लिया, क्वांटिटी क्या दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है 2 पीस 27,000 के रेट से, वेयर हाउस में 2 पीस, और यहाँ ले लेंगे वेयर हाउस, किस रेट से, 27,000 के रेट से, हो गया। चलिए अगला देखिए, BG18 वर्जन दिया हुआ है, RAL 5.2, जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे आप लोग, BG18, हाँ ब्रैकेट में रेल, RAL 5.2, हाँ, और उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है, इंटर किया, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, क्या है, सॉफ्टवेयर है, और कौन सा सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, आसान है कि नहीं आसान है। और PCS में क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 4, मान लो गलती से बिना क्वांटिटी डाले इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए तो कहाँ जाएंगे, अल्टर मोड में जाकर सही कर लीजिएगा, मान लो इसका 4 लिखना था और हमने एक्सेप्ट चेक कर लिया, हेलो, हाँ मान लो क्वांटिटी नहीं डाले होते यहाँ पे, बिना क्वांटिटी का हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लिए, गलती से हो गया तो परेशान नहीं होना है, सारा चीज का सोल्यूशन कहाँ है, अल्टर में, क्या बना रहे थे, स्टॉक आइटम, क्या बना रहे थे, स्टॉक आइटम में आ जाइए, किस नाम से, बीजी वाला, यहीं पे डाल दीजिए क्वांटिटी 4, इंटर, कितनी स्टोरेज, लोकेशन क्या दिया हुआ है, शॉप पे 10,000 क्रेडिट, शॉप
10,000 ग्रेड, कोई दिक्कत? बस छूटने के बाद ही परेशान नहीं होना है आपको, फिर वापस क्रिएट में आ जाइए। और कहाँ पे स्टॉक आगे पीजी तक हो गया है। अब उसके बाद क्या है, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, क्या होगा, स्मार्टफोन हो जाएगा। किस कंपनी का हो जाएगा, सैमसंग का हो जाएगा। क्वांटिटी ले लेंगे, क्वांटिटी क्या दिया हुआ है, 2 पीस शॉप में 21,000 रेट से, 2 पीस शॉप में 21,000 के रेट से हो गया। नेक्स्ट क्या है, टैली ERP 9, टैली ERP 9 क्या लिखा हुआ है, रियल 6.6 सिल्वर एडिशन। ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। पीसेस में क्वांटिटी क्या दी हुई है, अच्छा ये देखिए यहाँ गलत दिया है ना, सैमसंग दिया हुआ है, क्या होगा यहाँ पे आप बताइए। टैली क्या है, सॉफ्टवेयर तो है ही है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ सैमसंग सही है, क्या होगा यहाँ पे। तो ये चीज आपको खुद आना चाहिए था, मुझे बताना ना पड़े, क्योंकि मैंने क्या सिखा दिया आपको, आइटम पढ़ के आप दोनों चीज जान सकते हो, इसकी कैटेगरी क्या होगी, उसका स्टॉक ग्रुप क्या होगा, है ना। तो सैमसंग को काट के क्या लिख देंगे यहाँ पे, अकाउंटिंग में। सेकंड वाले सैमसंग को काटना है, नहीं ऊपर वाला काट दें, मोइलो वाला हो गया, क्या होगा, अकाउंटिंग होगा। और वेयर हाउस में 5 पीस है, 5 पीस वेयर हाउस में किस रेट से, 18-16 हजार हो गया। नेक्स्ट सोनी MDR, सोनी MDR HD XD B 450, बस यही है ना। और ये क्या है, ईयरफोन है, किस कंपनी का है, सोनी का है, सोनी होगी। किस में, पीसीएस में, क्वांटिटी कितनी है, 7 रेट, गोडाउन शॉप में 1,000 रेट। और उसके बाद है MS ऑफिस 2019, 2019 इसका क्या है, प्रोफेशनल प्लस प्लस क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। और कौन सा सॉफ्टवेयर, ऑफिस सॉफ्टवेयर। पीसेस में क्वांटिटी कितनी दी हुई है, लोकेशन है आपका शॉप, 4 पीस, 4 पीस शॉप पे 5,500। और क्या है आपका लास्ट, MI सुपर बस, MI सुपर बस। इसके बाद क्या है, हेडफोन, ये क्या होगा, हेडफोन होगा, क्या होगा, हेडफोन होगा, किस कंपनी का होगा, MI की। पीसेस में होगा, कितनी क्वांटिटी है, 5 पीस, लोकेशन कितना, रेट है 1,400-1,450-7,000 रुपये। हो गया सारा कुछ, बचा अब मुंह दिखाई करने की बारी, मतलब बैलेंस शीट देखने की बारी है। आइए बैलेंस शीट में और ओपन करिए, अभी बैलेंस 34 लाख आ रहा है। हाँ, और अल्ट या फोन या फाइल से डिटेल लेके जो अंतर आ रहा था, 3,20,000 का हट गया, कहाँ जगह चला गया वो। बस अब हमारा बैलेंस जाके, आज जाके बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हो, यही बचा। जो अंतर वाला बैलेंस आ रहा था, मैं लिखवाया था ना, जो बैलेंस शीट बनवाया था कि वो अपने आप आएगा, तो 20 वाला मतलब, तो उसका लेजर बनाया नहीं जाता है, अपने आप आता है। जो यहाँ अंदर आ रहा था यहाँ पे, अब वो क्या होगा, अपने जगह पे यही बना लू बाद में। क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का, क्या बोलते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इन्वेंटरी किसे रिलेट होती है, हमारी गुड्स, गुड होता है और जिस वस्तु का व्यापार करते हैं उनसे रिलेटेड होती है, कि कितनी मात्रा में है, कितना फीस है, ग्रुप क्या है। और जीएसटी कहाँ लगता है, स्टॉक ग्रुप कहाँ लगता है, स्टॉक ग्रुप में नहीं, स्टॉक ग्रुप यहाँ से, ठीक है। और एसएससी नंबर भी उसी में है ना। और बाकी क्वांटिटी वाली बात किसमें आएगी, स्टॉक आइटम जो बनाएंगे वो
क्वांटिटी बोलना सब आता है ना, तो इक्वल है ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर।